रविवार था, आज इतवार है और ये खिलाड़ी खेल के लिए पूरी तरह तैयार है। देखते हैं इस मैच का परिणाम क्या होगा। जी पापा। अरे टुल्लू बेटा कहाँ रह गए, टॉस होने वाला है। हाँ पापा बस रास्ते में हूँ, बॉस ने एक्स्ट्रा काम दे दिया था। महोदय सभी ने निवेदन ये है कि मैं अपने पिताश्री श्री कमल पचौरी के साथ मैच देखने के लिए आधे दिन का अवकाश चाहता हूँ। अरे ऐसे एप्लीकेशन लिख के टेबल पे छोड़ के भाग आता ना। अरे संडे की छुट्टी ना सही, कम से कम फादर्स डे की छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना। पापा फादर्स डे की किसको छुट्टी मिलती है। उसे जो 6 साल बाद अपने बेटे के साथ भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए 1400 किलोमीटर दूर आया हो। और बेटा मुझे तो लग रहा है कि आज इंडिया ही जीतेगा। पेट में सुबह से हलचल हो रही है। पापा हर बार आपके पेट खराब होने का मतलब ये नहीं कि इंडिया जीत रही है। आप दवाई लो और पेट के बल लेटो, मैं आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ बस। ये क्या लिया है? ये कुछ नहीं, ऑफिस का सामान है। तू होम डिलीवरी का काम तो नहीं करता ना? नहीं मतलब संडे को भी छुट्टी नहीं है। पापा मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तूने प्राइवेट से करा ना, इसलिए मुझे कभी शक हो जाता है। हो गया आपका, आप ही ने कराया प्राइवेट से। ठीक है मैं आता हूँ चेंज करके, फिर बैठते हैं। अच्छा सुन, पापा गिफ्ट लाए तेरे लिए, कमरे में रखा है। देखता हूँ। हाँ जी सर। यार कुणाल, क्लाइंट की तरफ से कॉल आया, दे वांट लिटिल चेंजेस। ठीक है सर मैं कल तक करके भेजता हूँ, आज तो मैच है ना। हाँ ठीक है, मैं क्लाइंट को बोल देता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय को आज मैच देखना है। आई वांट दैट रिपोर्ट एएसएपी, रात तक करके भेज दो एट एनी कॉस्ट। पर सर यार 4 दिन में 8 चेंजेस, एम्प्लॉय को गूगल समझ लिया यार। आओ अपनी प्रॉब्लम टाइप करो और सोल्यूशन ले जाओ। हाँ हेलो, हाँ बोल ना। हेलो और बुमराह की ये बुमराह कर देने वाली बाउंस। पापा पापा वॉल्यूम कम कर दो ना, कॉल चल रही है प्लीज। वॉल्यूम कम कर दूंगा तो आकाश चोपड़ा की कमेंट्री कैसे सुनूंगा। ये गई बॉल बालक बीच खिलकारियां मारती हुई, ये खिलाड़ी कुछ खास है, इससे बचने की ना कोई आस है। क्या कमेंट्री करता है आकाश भाई। तू भी तो करता था ना मैच के साथ कमेंट्री, अब क्यों नहीं करता? हाँ तो आप ही की वजह से तो बंद की थी, एक बार 2-3 गालियां निकल गई थी गलती से। क्या मारा था आपने उस दिन? हाँ याद आया, क्या दिन था ना वो, शाम को माने भी हाथ साफ किया था। हाँ अच्छा दिन था। पापा सुनो ना प्लीज कम कर दो, कॉल चल रहा है मेरा। जी हाँ अगर इसी तरीके से मारते रहे तो भैया स्टेडियम में चहल। सॉरी आकाश भाई। नहीं सर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कुन्नू बेटा क्या कर रहे हो? एक मिनट सर, कॉल तो एक मिनट की टेस्ट करो अभी। हाँ देखो नमक कम है। कम है जानबूझ के डाला था, इतना स्ट्रेस में रहते हो, बीपी हो गया तो। पापा मैं फिट हूँ। कहाँ फिट हो, अरे मॉर्निंग में टॉयलेट जाते हो, इतनी देर से बाहर आते हो, रात को जाते हो, जल्दी बाहर आ जाते हो। क्या बोल रहे हो पापा, ये इसमें ना नमक परफेक्ट एकदम। आप बाहर जाके बैठो, मैं आता हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है तो मैं यही रख दूँ इसको, यहीं रख इसको, फिनिश करूँ, फिनिश कर दूँ। जी 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 हाँ कर देना। जी नहीं सर एक्चुअली मैं बाथरूम में इसलिए लेट, मैं इसमें प्रोजेक्ट में इसलिए लेट नहीं हो रहा हूँ। चहल ने कर दी है कसम की पहल, ये गुगली काम की है। आ गया बेटा, बेटा वो लैपटॉप लेकर आना, उसकी वो फ्रंट कैमरे से ना हम एक वीडियो बनाएंगे डांस की। वो कोकोलोला कंपनी ना उसके डांस कॉम्पिटिशन में हमारा नंबर आया है, वो सबकी वीडियो ना स्टेडियम में दिखाएंगे सबको। पापा लैपटॉप से अभी काम चल रहा है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। बनाते हैं ना, तू हाथ हिला के चले जाना। पापा फोन से लॉगिन करके अकेले डांस कर लो। अकेले डांस कहाँ होता है मुझसे, तुझे पता तो है पहले भी तेरी मम्मी के साथ ही करता था, और वैसे ही अब तो ये पैरों की दर्द की वैसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। 4 दिन हो गए मुझे आए हुए, एक भी दिन पाँव नहीं दिखाया तूने। पापा यार पता है हद कर रहे हो आप,
नहीं दबाया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वेला था, ऑफिस के काम में बिजी ही था ना। कल दबा दूंगा, क्या हो गया इसमें? तो मुझे लगा था कि हम साथ में बैठ के मैच देखेंगे, बातें करेंगे। मैं तेरे लिए तो आया हूँ। पापा ये बार बार जताना क्यों है? पता है मुझे आप मेरे लिए आए हो, मैं भी काम खत्म करके यहीं बैठूंगा ना आपके पास। अरे यार ये बॉस अलग परेशान करके रखा है ऊपर से आप। हाँ तो काम खत्म करके आ जा। नहीं यार सुबह से लगा हुआ, तुझे मेल की रिपोर्ट एक बार चेक कर। चलो टांग उठाओ, उठाओ यहाँ से लो, चलो उधर लेके चलो कोने में। पापा क्या कर रहे हो, ये काम चल रहा है मेरा। अरे तुम अपना काम करो ना आराम से, कौन सा तुम्हारे लैपटॉप पे झाड़ू लगा रहे हैं है? चलो हाँ यहाँ से निकालो कोने से, उधर से लेकर आओ पूरा। हाँ सुन मैं ये बोल रहा था कि मुझे ना लास्ट ईयर की भी डेटा रिपोर्ट भेज दे यार जल्दी से। अरे जल्दी कोई नहीं है, आराम से करो, ये बीन बैग तुम्हारे हाथ लगाने से फट नहीं जाएगा, उठा के साफ करो। नहीं यार अभी उसको अगर फॉर्मेट करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे भाई टाइम ही टाइम है, मैं बोल रहा हूँ ना इसको कालीन को भी हटाओ ना, इसके नीचे से झाड़ू निकालो ऐसे। पापा क्या कर रहे हो आप, आप जाकर मैच देखो ना बाहर, वो कर लेंगी। कर लेंगी बेटा, तुम्हारी मम्मी पता क्या बोलती थी, जिस घर में गंदगी रहती है ना वहाँ बदकिस्मती रहती है, इसलिए तुम्हारा वो प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। और एक बात बताता हूँ सुनो, प्रॉब्लम यही है। शक्ल क्या देख रहे हो, काम करो ना अपना। पापा मुझे ना अब डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्लीज जाओ। दीदी आप छोड़ दो, आप कल आ जाना, उसको रहने दो। कल आ जाना? अरे 3 दिन बाद तो अब आई थी और कह रही थी कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। इतना अंडर प्रेशर मैं काम नहीं कर सकती भैया। इतना अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकती क्या मतलब? अरे केदार जाता मैं क्या? तब से आप मुझे काम सिखाए जा रहे हो, मैं कर रही हूँ ना। अच्छा मैं काम नहीं सिखाऊँ, ये कोने में जो इतना कूड़ा जमा हुआ है सालों का उसका कौन निकालेगा? ठीक है कर रही हूँ ना। अरे तो ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरा बच्चा कब से तुम्हें तनख्वाह दे रहा है? अरे यार पापा चुप हो जाओ यार, शांत हो जाओ। भैया बहुत हो गया, आई वेंट गॉन। दीदी दीदी सुन, क्या कर रहे हो यार, पिछले 2 सालों से वो यहाँ काम कर रही है। 2 साल से सिर्फ पैसे ले रही है बेटा वो। तो क्या दिक्कत है, मैं दे रहा हूं ना पैसे, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? कुछ दिनों के लिए आए हो, रेस्ट करो, एंजॉय करो, हर चीज में इंटरफेयर करना जरूरी है? बेटा रिटायरमेंट के बाद तो रेस्ट ही कर रहा हूं ना। मैं तो कह रहा हूं तू भी थोड़ा रेस्ट कर ले, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ये ना मेरी लाइफस्टाइल है, ठीक है? और आपको पता भी है क्या बड़े शहरों में पैसे कैसे कमाए जाते हैं? हमेशा से आपने यही बोला है ना, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यहां पहुंचने आगे बढ़ने के बाद। और जब आपको भी यही चाहिए था तो अब क्यों तकलीफ हो रही है? पापा स्कोर क्या हुआ? पाकिस्तान 299 पर ऑल आउट, सेकंड इनिंग अभी शुरू होने वाली। और विराट ने कितने विकेट लिए? तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना तेरी माँ की तरह है। पापा आपको याद है बचपन में एक ऐसे बहुत एक्साइटिंग मैच चल रहा था, सेकंड इनिंग स्टार्ट होने ही वाली थी और उसके जस्ट पहले लाइट चली गई थी, और उसके अगले दिन आप एक इन्वर्टर ले आए थे ना। तूने रो रो के मोहल्ले वाले को ये जो जता दिया था कि तेरा बाप नकारा है, तभी आपको स्कूटर बेच के साइकिल लेनी पड़ गई थी। नहीं वो तो साइकिल पसंद थी मुझे, स्कूटर खराब हो चुका था तो इसलिए। साइकिल अभी भी खड़ी है पुरानी खाने, तो मैं चला नहीं पाता हूँ क्योंकि पैरों में दर्द रहता है ना। एक मिनट मैं भी आया।
इसीलिए आपके लिए लाइफ लॉन्ग का लेग मसाज चल रहा है। आपके पैरों के दर्द की प्रॉब्लम को आराम मिलेगा। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अपनी जरूरत। ये शब्द तो आप पापा लोगों की डिक्शनरी में होता ही नहीं है ना। पापा, बचपन से मैंने जो भी चाहा, चाहे वो कोई चीज हो या आपका टाइम हो, मुझे सब कुछ मिला। आप पता नहीं कब से मेरे लिए खुशियों की होम डिलीवरी करते आ रहे। पापा, मुझे आज भी याद है, मैं खेलने जाया करता था बचपन में, तो आप अंधेरा होने से पहले मुझे लेने आ जाते थे और बकायदा हर 5 मिनट में मुझे पीछे से आवाज लगाते थे। पहले तो मैं इग्नोर कर देता था, पर जैसे ही अंधेरा बढ़ता था ना, तो भागा चला आता था आपके पास। पापा, बड़ा बनने के चक्कर में मैं फिर आपकी आवाज इग्नोर कर रहा था। सॉरी पापा। लेकिन अच्छी बात तो यह है ना, तू आज भी अंधेरा होने से पहले वापस आ गया। मुंबई आके सब फिल्मी बातें क्यों करने लगते हैं? पापा, हैप्पी फादर्स डे। सेम टू यू। सेम टू यू नहीं होता है, थैंक यू होता है। ओह, थैंक यू। तो थैंक यू इसके लिए। अब तुझे पैर नहीं दबाने पड़ेंगे ना। यार फिर टोंट मार रहे हो आप। यार टोंट थोड़ी मार रहा हूँ, टोंट ही मार रहे हो। तू यही सब बातें करता रहेगा क्या? कमेंट्री होने वाली है, मुझे देखना है मैच। चलो चलो चलो, जल्दी आ। वैसे भी तो आप आकाश चोपड़ा के पीछे पागल हो जा रहे थे। मैं तो बोल रहा हूं, तू कमेंट्री करता का है? बोलता रहता हूं मैं। Hey guys, hope you like this video और इस वीडियो को अपने फादर के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको हमारे छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, इस फादर्स डे अपने फादर को लाइफ लॉन्ग का लेग मसाजर गिफ्ट कीजिए, which is built for relaxation, ताकि उनके पैरों का दर्द को आराम मिले। And for more awesome content, do subscribe to All Right.